कहते हैं प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। इसीलिए आशिक जो हैं वो किसी से डरते नहीं, जो भी बात कहनी है, जो भी बात रखनी है, वो निर्भीक होकर अपनी बात रखते हैं। आज हम आपको बिहार के पटना के एक ऐसे आशिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो वहाँ के सीएम नीतीश कुमार से बहुत नाराज़ हैं। आप सोच रहे होंगे कि नौकरी को लेकर नाराज़ हैं, आप सोच रहे होंगे किसी काम को लेकर नाराज़ हैं या व्यवस्था को लेकर नाराज़ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं पंकज कुमार गुप्ता की। वो नाराज़ हैं क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनकी शादी हो गई। इस लॉकडाउन में जो शादी हो गई उसके चलते पंकज बेहद नाराज़ हैं नीतीश कुमार से। वो बार बार कह रहे हैं कि आपको एक आशिक की आह लगेगी, एक निराश प्रेमी की आह लगेगी और आपकी कुर्सी पर ये आफत बनकर टूटेगी। ये बार बार जो है पंकज कह रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं। अब तक आपने देखा होगा व्यवस्थाजन दिक्कतों के चलते जो है इस्तीफा मांगा जाता है, लेकिन एक आशिक की नाराज़गी इतनी बढ़ गई है कि अब वो लगातार इस्तीफा मांग रहे हैं। अपने ट्वीट में पंकज कुमार गुप्ता ने नीतीश कुमार को एक अच्छा मुख्यमंत्री ना बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 19 मई को होने वाली गर्लफ्रेंड की शादी रुकवा देने की उन्होंने अपील की थी, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया उस पर नहीं दी, कोई भी एक्शन नहीं लिया। केवल अपनी बेरोजगारी के कारण उनकी गर्लफ्रेंड से उनकी शादी नहीं हो पाई। पंकज ने इस प्रकरण के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार बताते हुए लिखा है कि उनकी हाय लगेगी। पंकज ने यह ट्वीट मुख्यमंत्री के लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा है। आपको बता दें कि ये सोच रहे होंगे आशिक पंकज गुप्ता कौन है जो वहां के मुख्यमंत्री से सीधा संवाद कर रहे हैं। पंकज अपनी गर्लफ्रेंड की शादी के पहले मुख्यमंत्री के लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ाने वाले पहले की ट्वीट पर दूसरे ट्विटर हैंडल से रीट्वीट करते हुए लॉकडाउन में शादियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखते हैं। उन्होंने लिखा था यदि मुख्यमंत्री लॉकडाउन में शादी पर रोक लगा देते हैं तो 19 मई को उनकी जो गर्लफ्रेंड की शादी, डेट याद रखिएगा, 19 मई को जो उनकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है वो रुक जाती और उनका प्यार बच जाता। वो बार बार कह रहे थे यदि वो रोक देते तो मैं जीवन भर उनका आभारी रहता, लेकिन उनकी मांग पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया और उनकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, इसलिए वो निराश हैं। निराशा इतनी बढ़ गई, आह इतनी बढ़ गई कि पंकज बार बार जो है इस बात को दोहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ट्वीट कर लिखते हैं कि उन्हें कभी वो माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया, एक सच्चे प्यार की इज्जत उन्होंने नहीं की। अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि एक सच्चे आशिक की ऐसी हाय लगेगी कि वो अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। एक आशिक जो है एक प्रेम के जब उफान में होता है, ऊंचाइयों में होता है, तो इस तरीके की बात करता है जिस तरीके से पंकज बात कर रहे हैं। यानी अब तक जो है इस्तीफा आपने देखा, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि अब तक व्यवस्था जन दिक्कतों के चलते इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन एक पहला मामला आया है जब एक प्रेमी ने सीएम से इस्तीफे की मांग की है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।